जय श्री कृष्णा एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ब्राइडल मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। ये बेसिकली एक समर सीजन मेकअप लुक है। समर सीजन में सबको HD और वाटरप्रूफ मेकअप चाहिए होता है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि वाटरप्रूफ मेकअप कैसे की जाती है और वाटरप्रूफ मेकअप या फिर जो हम कहते हैं वाटर रेजिस्टेंस मेकअप, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में प्रोडक्ट नॉलेज के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर स्किन केयर कर लेते हैं। स्किन केयर करने से पहले आप आइसिंग कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपका जो फेस है ना उसका जो पोर्स है मिनिमाइज हो जाता है, स्वेटिंग की दिक्कत कम हो जाती है और आपका जो मेकअप है बहुत अच्छे से बैठता है आइसिंग करने के बाद। तो आइसिंग आप ज़रूर फॉलो कीजिए गर्मियों के सीजन में स्पेशली। उसके बाद क्लेंजिंग के लिए मैं यहाँ पे गार्नियर का मैसला वाटर यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे फेस वॉश या फिर क्लेंजिंग मिल्क भी यूज़ कर सकते हो। क्लेंजिंग के बाद मैंने यहाँ पे गुड वाइब्स का टोनर यूज़ किया है जो कि स्किप हो गया है, और मॉइस्चराइजर को मैं खास करके गर्मियों के सीजन पे स्किप कर देती हूँ। ऑयली स्किन या फिर नॉर्मल स्किन है या फिर जिनके फेस में ज्यादा स्वेटिंग आते हैं तो वहाँ पे आप स्किप कर सकते हो। कलर बार का मैंने यहाँ पे प्राइमर यूज किया है। देन मैंने यहाँ पे क्रायलोन का ऑरेंज कलर करेक्टर यूज किया है। ऑरेंज कलर करेक्टर को बहुत ही हल्के हाथों से ब्लेंड किया है। उसके बाद मैंने उनके स्किन शेड से एक टोन लाइटर वाला फाउंडेशन यहाँ पे यूज किया है। उसके लिए मैंने क्रायलोन से D4 और PSC का लिक्विड फाउंडेशन को मिक्स करके मैंने उनके शेड का एक फाउंडेशन बनाया है। गर्मियों के सीजन में प्रोडक्ट की क्वांटिटी को आपको कम यूज करना है क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट होंगे तो स्वेटिंग ज्यादा आएगी। फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने यहाँ पे कंटूर शेड यूज किया है फ्रॉम क्रायलोन, और इसका जो शेड है वो है DJ2, यानी कि इनके स्किन टोन से 2-3 टोन डीपर होना चाहिए उससे आप कंटूर कर सकते हो। इसके लिए आपको ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से आपको कंटूर शेड लेना है। जो भी आप शेड यूज कर रहे हो, जो भी उनका स्किन टोन है, उससे 2-3 टोन का डार्कर वाला आप कंसीलर या फिर फाउंडेशन ले सकते हो, उससे आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्रीम ब्लशर यूज़ किया है। ये आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और इससे क्या होता है कि एक नेचुरल इफेक्ट आता है और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। उसके बाद पाउडर सेटिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है गर्मियों के सीज़न में। यहाँ पे आप थोड़ा सा पाउडर ज़्यादा यूज़ कर सकते हो क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, स्वेटिंग आने के चांसेस होते हैं। मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड का लूज़ पाउडर यूज़ किया है। कॉम्पैक्ट पाउडर से ज़्यादा लूज़ पाउडर काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। कंटूर के लिए मैंने यहाँ पे शुगर का कंटूर यूज़ किया है, और हाईलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे मेबलिन का मोल्टेन गोल्ड शेड का हाईलाइटर यूज़ किया है। अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं आईब्रो फिलिंग। तो आप अच्छे से कैसे आईब्रो फिल कर सकते हो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो पहले क्या करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, ये जो ब्रश होता है उसे हम कहते हैं आईब्रो फिलर ब्रश। इससे क्या होता है कि जो भी आईब्रो के हेयर है उसे आपको डाउनवर्ड की तरफ कॉम करना है, और जो भी अब आपको ना जो भी आईब्रो में स्पेस दिख रहे हैं जहाँ पर आपको हेयर नहीं दिख रहा है वहाँ पे आपको अच्छे से पोमेड को यूज़ करना है, और अगेन आपको स्पूली से ब्रश करना है, और अगेन आपको उस हेयर को ऊपर की तरफ उठाना है और नीचे से आपको अगेन फिल करना है आईब्रो को। तो जो भी आईब्रो में स्पेस होंगे तो वो फिल हो जाएंगे। इससे क्या होता है कि जो आपकी आईब्रो है बहुत ज़्यादा इंटेंस और शार्प दिखते हैं। नेक्स्ट अभी हम आई मेकअप करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कंसीलर यूज़ करना है। आप कोई सा भी कंसीलर ले सकते हो। उसके बाद उसे आप अच्छे से पाउडर से सेट कर लो। यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ब्रश नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से मैंने ब्लेंडर से ही पाउडर को सेट किया है। इस वजह से आईब्रो में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, यानी कि आईब्रो में थोड़ा सा पाउडर लग गया है। आई मेकअप पे मैंने यहाँ पे सबसे पहले एल्फ की आई शेडो पैलेट यूज़ किया है। उससे जो भी लाइट ब्राउन कलर था उससे मैंने क्रीज लाइन अच्छे से ड्रॉ किया है। मुझे हमेशा स्टार्टिंग में क्या होता है कि लाइट ब्राउन कलर से थोड़ा थोड़ा कलर लेकर अच्छे से उसे ब्लेंड करना अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने एक मेरून शेड को लेकर फिर से मैंने क्रीज लाइन से थोड़ा सा मैंने नीचे लेकर मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है। यहाँ पे मैं बस रेंडमली एक हाफ कट क्रीज बना रही हूँ। ये बेसिकली एक प्रॉपर जैसा सात कट क्रीज बनाते हैं ये वैसा वाला नहीं है, बस रेंडमली मैं इसे इसीलिए बना रही हूँ ताकि इसके ऊपर जो मैं शिमर इसके बाद एक शिमर आई शेडो जो मैं प्लेस करूँगी तो वो बहुत अच्छे से पॉप आउट होगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गोल्डन कलर का शिमर यहाँ पे यूज़ किया है। जो भी जिस एरिया पे मैंने कट क्रीज बनाया था उसी एरिया पे मैंने एक शिमर आई शेडो यूज़ किया है, और इनर कॉर्नर को थोड़ा सा मैंने हाईलाइट किया है। लॉयल लैश लाइन पे आई शेडो लगाने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे पाउडर यूज़ कर रही हूँ ताकि जो भी मैं आईज के ऊपर जो भी ग्लिटर वगैरह मैं लगाऊंगी तो वो फॉल आउट होकर जो उनका बेस है वो ख़राब ना हो। इस वजह से मैं यहाँ पे पाउडर थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं आईज पे जहाँ पे मैंने शिमर यूज़ किया था वहाँ पे मैं आईलैशेस ग्लू यूज़ कर रही हूँ और उसके ऊपर मैं ग्लिटर प्लेस कर रही हूँ।
देन मैंने यहाँ पे मेबलिन का जेल आईलाइनर यूज़ किया है और उससे एक बेसिक सा आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ और आउटर कॉर्नर को मैं थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि आईलाइनर लगाने के बाद जो शार्प जो एक लाइन दिखता है वो विजिबल ना हो और सब कुछ ब्लेंडेबल लगे। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि मुझे दो लिपस्टिक लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है, पहले मैं बॉर्डर लाइन पर थोड़ा सा डार्कर वाला लिपस्टिक यूज़ करती हूँ और उसके बाद अंदर की तरफ मैं एक न्यूड पिंक कलर का मैंने यहाँ पे लिपस्टिक यूज़ किया है। आप कोई सा भी न्यूड कलर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको न्यूड कलर डायरेक्टली अगर आप न्यूड कलर लगाते हो और आपको सूट नहीं करता तो आप ना इस तरह से बॉर्डर पर थोड़ा सा डार्क कलर लगा दो, उसके ऊपर आप अंदर की तरफ एक न्यूड शेड लगा सकते हो। इससे क्या होता है कि एक बहुत सारे लोगों को एक अजीब सा दिखता है तो वो नहीं दिखेगा, नॉर्मल ही दिखेगा। और लास्ट में मैंने निक्स की सेटिंग स्प्रे और फॉल्स आईलैशेस से मैंने लुक को कंप्लीट किया है और ये है फाइनल लुक। और अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है थोड़ा सा भी, देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू सो मच, बाय।